भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर शिवपाल यादव लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। सपा से इस्तीफे और भारतीय जनता पार्टी में शिवपाल के शामिल होने पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का इस मामले पर बड़ा बयान सामने आ गया है। एसपी सिंह बघेल का कहना है, बीते 5 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल यादव हैं। पहले नई पार्टी बनाई, फिर चुनाव में 80 सीटें मांग दी, मांगते मांगते 10 तक आ गए, अंत में 1 सीट मिली, लेकिन वो भी उनके हिस्से में नहीं आई। असल में शिवपाल सपा के बेस्ट कैंडिडेट थे, इसलिए अखिलेश यादव ने उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह देकर सपा के लिए जसवंत नगर सीट जीतने का काम किया। आपको बता दें, शिवपाल यादव के इस्तीफे पर, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के झगड़े पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, शिवपाल सिंह को लेकर कहा कि अखिलेश ने केवल उन्हें उम्मीदवार बनाया, सीट नहीं दी। अगर गठबंधन होता तो शिवपाल 8 से 10 सीट जीतते। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल ने कहा, ये मामला हाईकमान का है, मैं किसी के आने का ना स्वागत करता हूँ और ना ही जाने की आलोचना। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल से हटकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाजपा में किसी बाहरी के लिए फिलहाल जगह ही नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।